हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर 15 अगस्त को भारत में तिरंगा फहराने को लेकर, खास करके पंजाब में तिरंगा फहराने को लेकर पन्नू ने दे दी है बड़ी गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, पंजाब को बता दिया है भारत का हिस्सा है ही नहीं। जी हां, बताएंगे स्वतंत्रता दिवस से पहले ही पन्नू की ये बहुत बड़ी धमकी, पूरी जानकारी आपको बताएंगे, जिसने एक बार फिर से भारत को अलर्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश में भारत ने उठाया बहुत बड़ा और सख्त कदम। तो वहीं अमेरिका ने दी बांग्लादेश की नई सरकार को मंजूरी। जी हां, एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने। मोहम्मद यूनुस के साथ काम करने को तैयार है अमेरिका। बताएंगे किसने सपोर्ट किया है मोहम्मद यूनुस का, और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने से पहले ही उन्होंने भारत को लेकर बयान दे दिया है। दोस्तों बताएंगे भारत को लेकर इन्होंने क्या कहा। तो वहीं जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, ऐसे में कश्मीर को दहलाने की कोशिश की तैयारी कर रहे हैं ये पाकिस्तानी आतंकी। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर भगवंत मान को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की धमकी दी है दोस्तों पन्नू ने। पन्नू की गीदड़ भभकी, कहा पंजाब भारत का हिस्सा नहीं। जी हां, सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दी है। खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने कहा है कि सीएम भगवंत मान को पंजाब में तिरंगा नहीं फहराना चाहिए क्योंकि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के तिरंगे के नेतृत्व में सिखों के साथ नसकूशी हुई है और आज पंजाब के किसानों के साथ बेइंसाफी हो रही है। पंजाब के लोगों को उकसाने वाले आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा है कि 15 अगस्त सिख पंथ और पंजाब की आजादी का दिवस नहीं है। भगवंत मान जालंधर में तिरंगा फहरा रहे हैं, इस तिरंगे के नीचे हमारे सिखों की नस्ल कुशी हुई है। हमारे राज्य के सिख किसानों की खुद खुशी की जिम्मेदार भगवंत मान की सरकार है। तो वहीं दोस्तों आतंकी पन्नू ने कहा है कि 15 अगस्त को भगवंत मान को तिरंगा फहराने से रोका जाएगा, जो ऐसा करेगा सिख फॉर जस्टिस उसको 1 करोड़ रुपया देगा। जी हां, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान को तिरंगा चढ़ाने से रोकेगा, भगवंत मान ही पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह है। ये 15 अगस्त पंजाब और सिख पंथ की आजादी का दिवस नहीं है। यानी कि दोस्तों आतंकी पन्नू ने 15 अगस्त पर पंजाब में झंडा फहराने से रोकने के लिए और जो उसको रोक पाएगा उसको 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है और भारत को धमकी देने की कोशिश की है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत का इतिहास शायद गुरपतवंत सिंह पन्नू को नहीं मालूम, भारत अपनी शान के लिए सिर कटा सकता है तो सिर काट भी सकता है। जी हां, बहरहाल ऐसा लग रहा है कि इस खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को सारी चीजें हलवा लग रही है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो बनता ही है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। क्या जवाब देना चाहेंगे इस आतंकी पन्नू को, तो वही बता दें बांग्लादेश में भारत का सख्त एक्शन, सभी भारतीय वीजा केंद्र अनिश्चितकाल के लिए किए गए बंद। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद हिंसक घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। देश में हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की जा रही है। यही नहीं, राजधानी ढाका, चटगांव और कुलना समेत अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं पर भी हमले हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश में भारतीय दूतावास ने तेजी से बदल रहे हालात के बीच बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश में एम्बेसी का वीजा सेंटर अगले ऑर्डर तक बंद कर दिया है। हिंसा को देखते हुए भारतीय दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जहां एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र यानी IVAC ने घोषणा की है कि सभी केंद्र अस्थिर स्थिति के कारण अनिश्चितकाल तक बंद रहेंगे क्योंकि कई सप्ताह तक चले घातक विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटा दिया गया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो आज होने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, अमेरिका ने दे दी बांग्लादेश की इस नई सरकार को मंजूरी, कहा मोहम्मद यूनुस के साथ काम करने को है तैयार। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बृहस्पतिवार को शपथ ले सकती है, यानी आज शाम तक शपथ ले सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और हमने साफ तौर पर अंतरिम सरकार के नेता के रूप में मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति देखी है। उन्होंने बांग्लादेश में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों पर कहा कि हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में दीर्घकालिक शांति और राजनीतिक स्थिरता कायम करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने PTI से कहा है कि अंतरिम सरकार के संबंध में सभी फैसलों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन और बांग्लादेश के लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। प्रवक्ता ने एक सवाल पर कहा कि हम समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने पर सहमत हो गए हैं। हम अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो बांग्लादेश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक भविष्य की योजना बना रही है। ऐसे में ये चीज पहले से ही तय थी दोस्तों कि बांग्लादेश में बनने वाली सरकार का अमेरिका समर्थन अवश्य करेगा क्योंकि शेख हसीना
चाइना की सरकार से अमेरिका खुश नहीं था, ना ही पाकिस्तान खुश था और ना ही चाइना, तीनों के तीनों खुश होते नजर आने वाले हैं। अब ऐसे में आपको बता दें, बांग्लादेश के होने वाले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का भारत को लेकर भी अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को भारत के समर्थन ने बांग्लादेशी लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, रिश्तों में दरार ला दिया है। बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले रही है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता को फिर से शुरू करने के कई अवसर जल्द ही आएंगे। यूनुस ने हालांकि ये भी कहा कि भारत ने शेख हसीना का समर्थन किया जो बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते में दरार आई है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने कहा कि हालांकि भारत जैसे कुछ देशों ने शेख हसीना का समर्थन किया जिसके नतीजे में उनको बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी हासिल हुई है, इससे रिश्तों में कुछ दरारें बनी है जिनको ठीक करके द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने और भारत से करीबी दोस्ती को फिर से शुरू करने के कई अवसर आने वाले समय में हमारे पास होंगे। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार के आने से देश की ताकत दुनिया में बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल यूनुस के इस नए सरकार के गठित करने को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर में चुनाव पर पाकिस्तान की नापाक निगाह, तबाही के लिए कर रहा खतरनाक प्लानिंग। जी हाँ, चुनाव आयोग की एक टीम गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन बैठक कर रहा है। ISI की इस बैठक का खुलासा एक सीक्रेट फाइल से हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करने की सरकार भारत सरकार के अडिग रवैये को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी अपने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर चुनाव में दहशतगर्दी बनाने की बैठक शुरू कर दी है। साथ ही आगे का प्लान को सफल बनाने के लिए भारत के भी आतंकवादी संगठनों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। भारतीय जांच एजेंसी को सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पंजाबी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और अन्य आतंकवादी संगठन के साथ गुलाम कश्मीर में बैठक की है। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि सारे आतंकवादी संगठन अब केवल अगले आदेश तक कश्मीर के लिए काम करेंगे। बैठक में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन को जम्मू कश्मीर के राजनेताओं और पत्रकारों पर आतंकवादी हमले करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और ऐसे में वो कश्मीर को दहलाने की फिराक में लगा हुआ है। बहरहाल वहीं आपको अगली खबर बता दें, एक तरफ दुनिया बांग्लादेश संकट में उलझी हुई है तो उधर ईरान ने एक ही दिन में 29 लोगों को दे दी फांसी। जी हां, अंदर ही अंदर कर दिया बड़ा कारनामा। बता दें, पिछले दिनों इजराइल द्वारा तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हनिया की हत्या के बाद ईरान सुर्खियों में है। एक तरफ दुनिया जहां बांग्लादेश संकट पर नजरें गड़ाए बैठी है तो वहीं अब ईरान से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, ईरान ने एक ही दिन में 29 लोगों को फांसी की सजा देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, हिला डाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान की जेल में 26 लोगों को और अन्य 3 लोगों को करज शहर की जेल में फांसी दी गई। AFP की रिपोर्ट के अनुसार जिन 29 लोगों को फांसी की सजा दी गई उनमें 2 अफगानिस्तान के नागरिक भी हैं। फांसी पाने वाले लोग हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और रेप के आरोपी थे। रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के हवाले से फांसी की सजा देने की पुष्टि की है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ईरान पर 2022 के विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मौत की सजा दे रहा है ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। इन 29 लोगों की फांसी ईरान में न्यायिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में वैश्विक बहस को फिर से शुरू कर दिया है। कई मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ईरान में न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कई मामलों में दोषियों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलता है। अब ऐसे में ईरान ने जो ये खेला, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को घेरने की जरूर कोशिश की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, चीन सीमा के पास का अहम शहर म्यांमार की सेना के हाथ से निकल गया। जी हां, विद्रोही गुटों ने उस पर बड़ी जीत का कर दिया है दावा। बता दें, म्यांमार के उत्तरी शान राज्य के नवांग कियो टाउन में मंगलवार को विद्रोही गुटों और झुंटा सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झुंटा की ओर से नवांग कियो शहर के पास नई तैनात किए जाने के बाद ये नया टकराव हुआ है। इस इलाके पर पिछले महीने तवांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA ने कब्जा कर लिया था। झुंटा की ओर से इसे फिर से हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन विद्रोहियों ने इलाके पर अपना पूरी तरह से अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। irrawaddy.com की रिपोर्ट के अनुसार ब्रदरहुड अलायंस के TNLA ने 10 जुलाई को म्यांमार चीन व्यापार मार्ग पर स्थित नांग कियो शहर पर कब्जा कर लिया था। यहां मंगलवार को तब झड़प शुरू हुई जब TNLA और सहयोगियों ने झुंटा की इकाई पर हमला किया। यह इलाका उत्तरी म्यांमार का एक रणनीतिक केंद्र है। जी हां, इसकी वजह इसकी चीनी सीमा से नजदीकी और कई मुख्य शहरों को जोड़ना है। तो वहीं बता दें, शेख हसीना की टीम अब समेट रही है सामान। भारत के बाद कहां होगा उसका अगला ठिकाना, आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर और ढाका से भागकर दिल्ली पहुंची शेख हसीना की टीम के मेंबर्स ने अब भारत छोड़ने का फैसला किया है। सरकार के शीर्ष पदस्थ सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि आवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह से भागकर सोमवार को भारत पहुंचे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की टीम के सदस्यों ने नए गंतव्यों के लिए रवाना होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेख हसीना के साथ उनकी छोटी
बहन शेख रेहाना और कुछ करीबी सहयोगी हैं जो सोमवार को सेना के हेलीकॉप्टर से भागकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरे थे और तब से सभी गोपनीय जगह पर शरण लिए हुए थे। सूत्रों ने बताया है कि हसीना किसी नए ठिकाने की ओर चल पड़ी है, लेकिन उनका अगला ठिकाना कहाँ होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। शेख हसीना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया या फिर कतर को अपने अगले ठिकाने के रूप में देख रही है और वहाँ उनके शरण लेने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो इनमें से किस मुस्लिम देश में शरण लेने जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही हसीना को शरण देने से तकनीकी तौर पर इनकार कर चुका है। अब देखना यह होगा कौन देता है शेख हसीना को अपने देश में शरण। तो वहीं बता दें, बीजेपी नेता शौर्य डोभाल ने कहा कि बांग्लादेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी सत्ता में हो, भारत का प्रभाव लेकिन बना रहेगा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता एवं इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक शौर्य डोभाल ने कहा है कि बांग्लादेश में चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, भारत का प्रभाव और पहुंच मजबूती के साथ बना रहेगा और उसकी मित्र शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से लगने वाला कोई भी झटका टेम्परेरी ही होगा, यानी अस्थायी होगा। डोभाल ने साथ में यह भी कहा है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो एक बड़ा मित्रवत और उदार राष्ट्र है, लेकिन वो अपने हितों की दृढ़ता से रक्षा करना भी जानता है। शौर्य डोभाल ने आगाह किया है कि बांग्लादेश में किसी को भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या वाकई में आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों, बांग्लादेश में जो अब सरकार बनने जा रही है, क्या उसके साथ भी भारत के रिश्ते बेहतरीन हो पाएंगे? आपकी अपनी राय क्या है दोस्तों, इस पर जरूर बताइएगा कमेंट में। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश संकट के बीच इस मुस्लिम देश में कोटा सिस्टम हुआ लागू, भड़के लोग, पीएम हुआ बर्खास्त। जी अफ्रीका के एकदम उत्तर में ट्यूनिशिया देश बसा हुआ है। इस देश में आजकल पानी के संकट को लेकर लोगों को बहुत समस्याएं उठानी पड़ रही है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कृषि मंत्रालय का कहना है कि बांध का जलस्तर एकदम दयनीय है, यानी निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये स्तर घटकर खतरनाक 25% तक पहुंच गया है। इसको यदि ट्यूनिशिया के लिहाज से देखें तो ये कहना उचित होगा कि उसके पास पानी का भंडार बस 25% ही रह गया है। सरकार इस बारे में कह रही है कि ट्यूनिशिया लगातार सूखे से जूझ रहा है, जिसके कारण पानी के वितरण में कोटा प्रणाली लागू की गई है। इस कारण ट्यूनिशिया के कई हिस्सों में पानी और बिजली की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते लोगों में सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। जी आपको बता दें, अक्टूबर में वैसे भी राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है ट्यूनिशिया में। तो वहीं बता दें, सऊदी, जॉर्डन, यूएई सुन ले, इजराइल की इस बार रक्षा की तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ, ओआईसी में नहीं मिला साथ तो बौखलाया ईरान, दे दी धमकी। जी हाँ, इजराइल में सेना से लेकर जनता तक ईरान के हमले की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल के अंदर हमला कर सकता है। पिछले कुछ घंटों में तेजी से बने हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने अपनी एयरलाइंस के विमानों को कुछ घंटों के लिए ईरानी क्षेत्र से उड़ान ना भरने को कहा है। जॉर्डन ने भी अपने यहां आने वाले विमानों से 45 मिनट का अतिरिक्त ईंधन रखने को कहा है। बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के देशों की असाधारण बैठक हुई, जिसमें ईरान इजराइल पर हमले की बात करते हुए अरब देशों को भी धमकी दे डाली। दोस्तों, यह बैठक ईरान के अनुरोध पर ही बुलाई गई थी। ईरान ने रिक्वेस्ट किया था इन देशों को मीटिंग में आने के लिए। ओआईसी की इस बैठक में ईरानी प्रतिनिधि ने अरब देशों को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो इस लड़ाई से भी दूर रहे। उन्होंने कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई में किसी भी तरह रुकावट पैदा की गई तो इजराइल का साथ देने वालों के खिलाफ भी ईरान कार्रवाई करेगा। ईरान के एक्टिंग विदेश मंत्री ने ओआईसी की बैठक में कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को ईरान का जवाबी कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हानिया की हत्या करके तेहरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। ये इन बयानों से आप क्लियरली बौखलाहट देख सकते हैं ईरान का। तो वहीं बता दें, इजराइल के आयरन डोम की कॉपी बनाएगा तुर्की। एर्दोगन के देश का स्टील डोम बनाने का कर दिया ऐलान। जी हां, तुर्की ने मंगलवार को स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। ये बड़े पैमाने पर ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क पर आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होगा। इससे तुर्की की हवाई सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तुर्की लंबे समय से एक ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में था जो कई तरह के प्लेटफॉर्म को एक साथ इंटीग्रेट कर काम कर सके। ऐसे सिस्टम में इजराइल सबसे आगे है। वर्तमान में तुर्की अपने आसमान की सुरक्षा के लिए रूसी एवं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि उसके पास कुछ पश्चिमी कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम भी है। जी हां, तुर्की नाटो का सदस्य है, ये आप जानते हैं। इसके बावजूद उसने मिसाइल खतरों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने पर अपने पश्चिमी सहयोगियों की विफलताओं की आलोचना की है। ये नाटो का एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जो रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर कर उसके डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। तुर्की का कहना है कि उसने रूसी S-400 को इसलिए खरीदा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अपना स्वयं का रक्षा कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, मैं 9 मई की पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हुई हिंसा के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ। जी हाँ, इमरान खान के बयान से बढ़ गई हलचल। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 9 मई 2023 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई हुई हिंसा पर शर्त के साथ माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने इसके लिए सशर्त माफी की
की पेशकश की है। इमरान खान ने कहा कि उनको माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब तब होगा जब हिंसा में उनकी पार्टी पीटीआई के लोगों के शामिल होने का सबूत दिया जाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी हिंसा में पीटीआई कार्यकर्ताओं की संलिप्तता को साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी कर देगी तो वो इसको मान लेंगे। तो वहीं बता दें, किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब, वक्फ बोर्ड पर माफिया का है कब्जा। जी हां, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करते हुए कहा कि इसको लेकर विपक्ष के सदस्य जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ये विधेयक सबके हित में है और इससे वक्फ संपत्ति में गरीब मुसलमानों का हित साधा जा सकेगा। विधेयक में किए गए प्रावधान से संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया और इसमें किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। इसमें जिनको हक नहीं दिया गया उन्हें हक दिया गया है। जी हां, ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर लोकसभा में आग बबूला दिखाई दी। ओवैसी दे दी ये दलीली, कहा आप मुसलमानों के दुश्मन है। जी हां, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के सदन में पेश होते ही आग बबूला होते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन है, ये बिल इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो सभी नागरिकों को उनकी अपनी आस्था का समान अधिकार देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मोदी सरकार को विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि दोस्तों, वक्फ में संशोधन को लेकर ओवैसी वाकई में बौखलाते नजर आए, इस पर आपकी राय तो बनती है। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।